नमस्ते, मेरा नाम है निकेश। आप सभी को स्वागत है हमारे और आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को हम बताएंगे कि किसी भी बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट कैसे निकालें ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम आपको इस सब के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट अगर आप निकालना ऑनलाइन, तो आप किस तरह से निकालेंगे, इस सब के बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको वीडियो को आपको शुरू से लेकर आपको लास्ट तक आपको देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को हम करते क्या है कि शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके साथ ही आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को भी लाइक करें। वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट निकालने के लिए हमको अपने मोबाइल फोन में करना क्या है कि हमको इसमें सर्च करना है PFMS। जैसे आप इसमें इतना सर्च कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखिएगा तो हमारे सामने में PFMS का इस तरह का वेबसाइट आएगा। तो यहाँ पर हमको इस वाले वेबसाइट पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिएगा हमारे सामने में फिर से कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आने के बाद यहाँ पर हमको इस तरह से हमको स्क्रॉल डाउन करके हमको नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर नाउ वेयर पेमेंट का। उसी के नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा कि डील मोर का, तो इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने में फिर से कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों, हमको अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट निकालने के लिए हमको अपना बैंक का कुछ डिटेल हमको इसमें एंटर करना है। तो यहाँ पर हमसे सबसे पहले पूछ रहा है कि बैंक का नाम, तो इसमें हमको अपना बैंक का नाम हमको इसमें सेलेक्ट करना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना बैंक का नाम किस प्रकार से सिलेक्ट करना है तो देखिएगा, तो हमारा बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें हम लिखते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जैसे हम इसमें इतना लिखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा नीचे में हमारा बैंक का नाम चलाएगा। तो यहाँ पर हमको अपने बैंक का नाम है इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा तो दोस्तों पूछ रहा है कि इंटर अकाउंट नंबर, तो जो भी, तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपका जो भी बैंक अकाउंट का अकाउंट नंबर होगा वो अकाउंट नंबर आपको इसमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद अकाउंट नंबर आप इसमें एंटर करने के बाद देखेगा नीचे में दोस्तों पूछ रहा है कि इंटर कन्फर्म अकाउंट नंबर, जो भी अकाउंट नंबर आप इसमें एंटर किए होंगे वही अकाउंट नंबर आपको इसमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिएगा नीचे में कैप्चर का ऑप्शन मिलेगा, या कैप्चर को आपको इस वाले बॉक्स में आपको इसमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद कैप्चर आपको इसमें एंटर करने के बाद देखिएगा नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर सेंड OTP और रजिस्टर मोबाइल नंबर, तो इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे बैंक अकाउंट के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिखा होगा दोस्तों उस पर OTP चला जाएगा। OTP को हमको करना क्या पड़ेगा कि देखिएगा नीचे में एक ऑप्शन यहाँ पर एंटर OTP का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर हमको इस वाले ऑप्शन में हमको अपना OTP हमको इसमें एंटर करना है। OTP हमको एंटर करने के बाद देखिएगा नीचे में एक ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा कि वेरीफाई OTP का, तो इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने में देखिएगा फिर से कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आने के बाद यहाँ पर हमको इस तरह से हमको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर देखिएगा हमारा बैंक का कुछ डिटेल चलाएगा। तो यहाँ पर हमको अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा कि ऊपर में एक ऑप्शन दिखा देगा डाउनलोड का, तो इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिएगा कुछ देर के बाद हमारा स्टेटमेंट है दोस्तों इस तरह से डाउनलोड होकर आ गया है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आपको अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आपको निकालना पड़ेगा। अगर दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।